हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा था प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जैसे ये लाइट आ रही है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, मगर ये दूसरे माध्यम में आते ही अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है। ये आपका अभिलंब हो गया। ये वाला एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये वाला एंगल को हम लोग सॉरी ये वाला एंगल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये आपका मीडियम वन हुआ और ये आपका मीडियम टू हो गया। तो इसका पहला नियम आपका यही बोलता है कि आपतित कोण और अपवर्तित कोण जो दोनों होंगे ना, उसका जो जय होगा यानी कि साइन आई और साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। तो इसका पहला नियम आपका हो जाएगा आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होंगे। सेकेंड आपका नियम हो जाएगा आपतित कोण की जया तथा अपवर्तित कोण की जया का अनुपात सदैव स्थिरांक होगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू स्थिरांक, या इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इसका जो सेकेंड रूल होता है इसे हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं, तो नोट कर लेंगे आप लोग। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, यही आपका स्नेल का नियम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। गाइस, तो अभी हम लोग जानेंगे सघन माध्यम और यहाँ पे देखते हैं कि ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है। ये लाइट रे आ रहा है और ये लाइट रे यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जब लाइट रे किसी दो माध्यम में, जब लाइट रे किसी में अधिक स्पीड से चलता है और किसी में स्लो चलता है, तो जिसमें अधिक स्पीड से चलता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं, और जिसमें लाइट का स्पीड थोड़ा कम होता है कंपेयर में उसे हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और दूसरा बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब लाइट स्पीड किसी माध्यम में स्पीड उसका घटता है ना, तो फिर वो अभिलंब की ओर झुकता है। जैसे कि ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, सपोज ये आपका कांच है, ये आपका एयर, तो एयर में आपका लाइट स्पीड ज़्यादा होता है और कांच में थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे लाइट स्पीड जो है कम होने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा और ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि आयताकार कांच के स्लैब में प्रकाश का अपवर्तन। गाइस, यहाँ ध्यान देंगे ये हमारा, इसे हम लोग मानते हैं आयताकार कांच का स्लैब ए बी सी और डी। लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होता है, इसे हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। फिर यहाँ पे लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था और ये आपका अभिलंब हो जाता है पर लाइट रे यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए था पर ये मुड़ जाता है। फिर लाइट रे को ऐसे आना चाहिए था पर ये जैसे ही फिर से दूसरे माध्यम में जाता है फिर लाइट रे ऐसे मुड़ जाता है। तो ये आपका कांच का स्लैब है
ये आपका एयर है, ये भी आपका एयर है, ये आपका अभिलंब नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर ये एंगल आर हो गया, फिर यहाँ पे सेम उसी प्रकार ये आपका हो गया ये आपका नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जैसे कि एयर है, एयर में आपका लाइट स्पीड जो होता है लगभग निर्वात में जो स्पीड होता है वही लगभग बराबर होता है, तो लाइट एयर में और निर्वात में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, फिर कांच के स्लैब में ये एंटर करता है तो इसका लाइट स्पीड थोड़ा कम हो जाता है जिसके कारण ये अभिलंब की ओर झुकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आयताकार कांच के स्लैब से फिर जब लाइट होकर वापस बाहर निकलता है एयर में तो वापस से ये अभिलंब से दूर भागता है, तो जिसके कारण वापस यहाँ पे ये अभिलंब है, अभिलंब से ये दूर भागा, लाइट को ऐसे करके सीधे ये रास्ते से आना चाहिए था मगर ये डायरेक्शन इसका चेंज हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि आयताकार कांच के स्लैब में जो लाइट होता है उसका अपवर्तन कैसे होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक हम लोग जानते क्या होता है, अपवर्तनांक जानते क्या होता है, ये आपका आर है और ये आपका आई है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी दो माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है उसके अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे लाइट ऑफ स्पीड है इन एयर बाय इन ग्लास, जो दोनों का रेशियो होगा अनुपात होगा उसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका डेफिनेशन, किसी दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये इसे हम लोग इसे एन से सूचित या डिनोट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका एन टू वन। जैसे एन टू वन है तो माध्यम टू में जो चाल होगा ना उसको हम लोग नीचे रखेंगे, मीडियम टू में प्रकाश का चाल, और ये आपका हो गया मीडियम वन में प्रकाश का चाल, इसका तो इस प्रकार हमने देखा अपवर्तनांक। इसके बाद कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे यहां किसी दो माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं ना, अगर वो दोनों माध्यम में से कोई एक माध्यम एयर हो जाएगा यानी वायु हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, या तो फिर उस माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे जो वायु के अलावा जो माध्यम है। जैसे कि इसका डेफिनेशन फिर आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश के चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस माध्यम में अपवर्तनांक। जैसे कि यहाँ पे एयर लिया गया है, एयर में लाइट का स्पीड और कांच में लाइट का स्पीड, ये दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, या तो फिर बोलेंगे कांच में
अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो यहां पे हो जाएगा या माध्यम का अपवर्तनांक। गाइस यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक का, वायु में प्रकाश के चाल बटा माध्यम में प्रकाश का चाल। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा वायु में प्रकाश का चाल यानी सी और वी। वी मतलब होता है वेलोसिटी, तो नॉर्मल किसी माध्यम में प्रकाश का चाल को वी बोलेंगे, या वायु में प्रकाश का चाल या निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है सी। और सी का वैल्यू जो होता है सी इक्वल टू होता है आपका 3 × 10^8 m/s, यही स्पीड ऑफ लाइट यही होता। फिर इसके बाद आपका है सारणी, सारणी 10.3 या 10.3, इसमें आपका दिया हुआ बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे चीज़ का अपवर्तनांक, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन है उसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि जब जल में लाइट रे इंटर करती है वो भी तिरछी डायरेक्शन से, जैसे कि ये आपका हो गया वाटर और लाइट रे ऐसे इंटर करती है जल में, तो क्वेश्चन है कि ये अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के जो की ओर झुकेगी। तो हम लोग जानते हैं कि एयर जो होता है या निर्वात, उसमें ना सबसे ज़्यादा फास्ट होता है लाइट का स्पीड, उसके कंपेयर में सारे में स्लो होता है। तो जब उस हिसाब से जो वाटर हो गया यानी जल हो गया उसके लिए सघन माध्यम हो गया, और एयर जो हो गया विरल माध्यम। जब भी सघन माध्यम में लाइट एंटर करता है तो वो अभिलंब की ओर झुकता है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये अभिलंब है उसको ऐसे जाना चाहिए था, इसकी ओर झुका। तो इसका आंसर हो जाएगा जब प्रकाश किरण वाटर में या जल में इंटर करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि जो कांच है उसका जो है कांच का अपवर्तनांक वो 1.5 है, और एयर में या निर्वात में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10^8 m/s है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जब प्रकाश किरण जब कांच में एंटर करती है तो कांच में जो लाइट का स्पीड होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, एन जी यानी कि अपवर्तनांक ग्लास का, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई वी, तो वेलोसिटी ऑफ ई ग्लास हो गया सी। तो हम लोग को सी का वैल्यू दिया हुआ 3.3 × 10^8, तो एन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी बाई एन जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी जी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू है 3 × 10^8 m/s, एन जी का वैल्यू है 1.5, ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 से 3 दो बार में कट जाता है। तो वी जी का वैल्यू हो जाएगा, वेलोसिटी इन ग्लास हो जाएगा आपका 2 × 10^8 m/s। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है सारणी 10.3 से कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो सारणी में आपको क्लियर दिया हुआ है कि जो हीरा होता है वो सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है, यानी कि हीरे में सबसे स्लो लाइट स्पीड होता है, और वायु में प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होता है यानी कि लाइट स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किरोसिन तारपीन का तेल तथा जल में दिए गए इनमें से कौन सा प्रकाशिक घनत्व या सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी 3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो आप लोग सारणी 10.3 में देख करके आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो एन डी इक्वल टू आपका हो जा रहा है, तो आपका है क्वेश्चन नंबर 5, एन डी इक्वल टू दिया हुआ आपका 2.42, तो एन डी का मतलब क्या हो जाएगा, सी बटा वेलोसिटी इन डायमंड, यही आपका मतलब हो जाएगा। एन डी दिया हुआ यानी अपवर्तनांक 2.42, इसका मतलब यही हुआ कि लाइट का स्पीड जो वायु में होगा और डायमंड के अंदर होगा, वो दोनों का जो अनुपात है वो 2.42 होगा। फिर हम लोग इसके बाद नया टॉपिक देखें गाइस, तो हमारा ये टॉपिक है गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें पहला आपका जानेंगे कि लेंस होता क्या है। तो लेंस क्या होता है, लेंस एक चिकनी चमकदार सतह है
जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंस एक चिकनी चमकदार माध्यम है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे ये आपका हो गया लेंस, ये लाइट रे ऐसे आया और फिर ऐसे गया, लाइट रे ऐसे आया और ऐसे गया। तो लाइट रे क्या हो रहा है, इसके पार हो जा रहा है। तो जो ये लेंस हुआ इसमें से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो इस टाइप का जो लेंस कोई भी चीज़ होगा उसे हम लोग लेंस बोलेंगे। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा प्रकार का लेंस होता है। तो इसमें पहला आपका आ जाएगा उत्तल लेंस। इसका डेफिनेशन हो जाएगा वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला होता है, बीच का भाग मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस का आपका डिजाइन हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो गया, किनारे से पतला हुआ और बीच से मोटा हुआ, किनारों पे पतला और बीच से मोटा है, तो इसे हम लोग उत्तल लेंस कहेंगे। फिर आपका हो जाएगा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस कैसा क्या होगा, वैसा लेंस जो बीच से पतला होता है तथा किनारों से चौड़ा या मोटा होता है। अवतल लेंस कहते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इसका डिजाइन हो जाएगा आपका, तो ये बीच से आपका देखिए पतला है और किनारों से चौड़ा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि अवतल लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब प्रकाश किरण अनंत से आती है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके ये जो होगा इसे हम लोग कहेंगे ओरिजिन ओ। फिर इसके बाद आएगा आपका एफ वन। फिर ये जितना डिस्टेंस है उतना ही इधर भी होगा टू एफ वन। फिर इधर हो जाएगा आपका टू एफ वन, सॉरी एफ टू। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका टू एफ टू। तो लाइट किरण यहाँ हम लोग देखते हैं कि लाइट रे अनंत से आ रही है। तो यहाँ पे जब लाइट रे अनंत से आती है ये कहाँ पे काटती है, F2 पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी प्रकृति, स्थिति और साइज। पहला आपका क्या हो जाएगा, स्थिति, स्थिति। तो ये प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बन रही है, तो F2 पे बन रही है। तो क्या हो जाएगा, F2 पर प्रतिबिंब की स्थिति, F2 पर। फिर उसके बाद प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति क्या होगी, राइट साइड में बन रहा ना, वास्तविक है क्योंकि लाइट रे तो जा रही है ना, अपवर्तित हो रही है। अगर ये ऐसे ऐसे रहता तो ना बोलते हम लोग कि वो काल्पनिक है। तो ये क्या होगा, और ये बिंदु साइज ऊपर में बन रहा है, तो ये हो गया आपका प्रकृति, इसका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। फिर थर्ड हो जाएगा आपका साइज। तो साइज क्या हो जाएगा, F2 पे देखेंगे हम लोग कि किस साइज का बन रहा है, तो बिंदु साइज का बन रहा है, बिंदु साइज।
तो इस प्रकार हमने देखा कि जब प्रकाश किरण अनंत से आती है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण जब अनंत और 2F1 के बीच होती है। गाइस यहाँ पे देखेंगे जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच होता है, तो ये आपका ओ हो गया, ये आपका हो गया F2 2F2, ये हो गया आपका F1 2F1। तो जब वस्तु अनंत यानी अनंत और 2F1 और अनंत, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये भी आपका एक वस्तु है, तो लाइटर आपका ऐसे गया, फिर F2 पे काटा, फिर तो ये आपका हो गया A'B'। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जब वस्तु अनंत और F2 F1 के बीच होता है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, और इसके कंपेयर में देखिए ये साइज में छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो छोटा है। तो इसका हम लोग स्थिति, प्रकृति और साइज देखेंगे। ये जो आपका हो गया, ये जो आपका हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हुआ, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब सॉरी वस्तु जो है वो सीधा है, यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा हो गया, वास्तविक और उल्टा। तो इसका देखेंगे हम लोग, पहले स्थिति देखेंगे, स्थिति क्या है, तो वस्तु कहाँ का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच, फिर प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे साइज, तो साइज क्या हुआ, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। फिर गाइस तो हमारा नेक्स्ट है जब वस्तु 2F1 पर होती है, तो 2F1 पर हम लोग एक वस्तु लेते हैं, ए बी नाम का एक वस्तु लिए, तो ये लाइट रे हम लोग कैसे गया, फिर यहाँ से ही F2 को काटा, ये आपका हो गया A'B'। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 पर होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 2F2 पे बनता है। प्रतिबिंब जो वस्तु है, वस्तु का जितना बड़ा साइज है उतना ही प्रतिबिंब का भी साइज होता है, और प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और नीचे है यानी उल्टा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति क्या होगी, 2F2 पर, स्थिति 2F2 पर। प्रकृति आपका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। साइज आपका क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का, तो साइज हो जाएगा वस्तु के बराबर, देखेंगे यहाँ पे कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर आपका हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु F1 पे होती है, फिर उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच होती है, तो एक वस्तु लेते हैं AB, एक वस्तु AB लिया हमने, ये लाइट ऐसे गया, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। फिर सेकेंड हमारा रहेगा, AB'। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका हम लोग विशेषता देखेंगे कि जो है AB एक वस्तु है, AB के साइज से प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा है। फिर सेकेंड देखते हैं हम लोग कि जो प्रतिबिंब बना है वो 2F2 और अनंत, आगे तो अनंत है, अनंत के बीच बना है। थर्ड आपका देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है उल्टा है और वास्तविक है। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि स्थिति, प्रकृति और साइज क्या होता है। तो पहला आपका हो जाएगा स्थिति, तो स्थिति क्या हो जाएगा, 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और
अनंत के बीच। फिर सेकंड आपका देख लेते हैं, प्रकृति क्या होता है, तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। थर्ड आपका साइज क्या होगा, तो वस्तु, और वस्तु से देखते हैं हम लोग बहुत बड़ा ही है, तो वस्तु से बड़ा। गाइस नेक्स्ट हमारा है जो वस्तु F1 पर होती है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। गाइस जब वस्तु F1 पर हो तो एक वस्तु हम लोग लेते हैं AB, AB एक वस्तु है, F1 पे हम लोग लेते हैं, ये लाइट रेस है क्या, ये F2 पे यहाँ पे काट रहा, और फिर लाइट रे यहाँ से होकर गुजरा, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक दूसरे को काट नहीं रहा है, तो प्रतिबिंब हो सकता है कि जब आगे जाकर के प्रतिबिंब ये हो सकता है कि अनंत में बनेगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है, इस केस में देखते हैं कि प्रतिबिंब की क्या क्या खासियत है। तो पहला स्थिति इसकी कहाँ पे बनेगी, तो इसकी स्थिति अनंत पे, ये हो सकता है किसी और मीडियम में जब ये आगे चलता जाएगा लाइट रे, तो किसी मीडियम में जहाँ पे लाइट रे का स्पीड अलग अलग होगा तो वहाँ पे वो हो सकता है काटेगा, तो जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो अनंत में बनेगा, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से देखेंगे कि जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो यही इससे बड़ा हो जाता है, तो अनंत में बनेगा, तो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो इसका स्थिति पहले देखते हैं, तो प्रतिबिंब जो आपका बनेगा वो अनंत में बनेगा, प्रकृति आपका क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। फिर आपका साइज क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, आगे जाके बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा अनंत में, वस्तु से बहुत बड़ा। फिर नेक्स्ट है हमारा जो वस्तु F1 के अंदर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसको हम लोग देखेंगे। गाइस इस कंडीशन में देखते हैं, जब वस्तु F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच होता है, तो ये आपका हो गया प्रकाशित केंद्र O, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F2, ये आपका हो गया 2F2, ये हो गया आपका F1, 2F1। तो जब वस्तु आपका प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच होता है, तो एक ए बी नाम का एक वस्तु लिए, ये लाइट रे ऐसे किया, ऐसे करके काटा, ठीक है, फिर ये ऐसे करके गया, तो ये एक दूसरे से हमेशा दूर जाते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर साइड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर साइड में ये काटेगा नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो फिर इसके लिए हम लोग इमेजिन करते हैं काल्पनिक रूप से, तो फिर इसको हम लोग इधर बढ़ाते हैं, ठीक है, फिर इसको भी इधर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ए डैश और बी डैश, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये आपका था ए बी था। तो यहाँ पे देखते हैं जब वस्तु F1 और प्रकाशित केंद्र O के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे देखेंगे सीधा है और काल्पनिक है, इधर साइड में बनता तो वास्तविक होता, यहाँ पे काल्पनिक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे जो साइज है प्रतिबिंब का, तो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब से बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद देखेंगे ये बन किधर साइड रहा है, तो बन रहा आपका 2F1 के पहले, जिस साइड में वस्तु है वही साइड में बन रहा है, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा आपका, जिधर वस्तु है उधर ही 2F1 और अनंत के बीच, के बीच। फिर प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, काल्पनिक और ऊपर है यानी सीधा, काल्पनिक और सीधा। फिर हो जाएगा साइज, साइज क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, तो वस्तु से बहुत बड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रतिबिंब अलग अलग स्थिति में उत्तल लेंस में कहाँ कहाँ रखने से कैसे कैसे बनता है।
तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तब तक के लिए थैंक यू और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।